हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़े। वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज हम ये नया चैप्टर चालू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, टू हो, तो देखिएगा यहाँ पे टू है। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका ए रहेगा, एक्स का कोएफिशिएंट आपका बी रहेगा और ये आपका सी रहेगा। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर मान लीजिए कि ये लिखा है टू एक्स प्लस थ्री, तो दिस इज नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर ये लिखा है एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, तो दिस इज ऑल्सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द हाईएस्ट पावर ओनली टू, मतलब टू से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी, वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको इस टेंथ क्लास में आपसे क्या पूछेंगे, आपसे रूट्स निकालना है। इसके क्या निकालना है, रूट्स। याद हो आपको सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, तो उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, बिल्कुल डिट्टो वही का वही ये है। वहाँ पे हमने जीरोज निकाले थे, यहाँ पे हम रूट्स निकालेंगे। वही मेथड है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो थी, यहाँ पे हम वही फैक्टराइजेशन मेथड सेम टू सेम एक तो वही मेथड है, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक फॉर्मूला मेथड है। तो यहाँ पे हम तीन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, आपको ये इक्वेशन बकायदा याद रहना चाहिए किसी भी टाइम। आपको इसमें क्या, हमेशा हर बार हमें ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, ए बी और सी की वैल्यू, जो हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल में बस हमें यही जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम 4.2 पढ़ेंगे। 4.2 में आपको बेसिकली 4.1 में तो यही दिया कि क्वाड्रेट पे चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो वो आप कर ही लेंगे। अगर आपका हाईएस्ट पावर 2 आती तो है और नहीं है तो नहीं है। हम 4.2 से स्टार्ट करते हैं। 4.2 में आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें बोला गया है रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूट्स। तो यहाँ पे आपको पहला जो 4.2 में आपको फैक्टराइजेशन मेथड दिए, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा आपको पाँच क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपसे कहा गया कि रूट्स फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करिए, रूट्स। तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसका हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। तो देखिएगा इसमें वही फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, वही पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का और कॉस्टर टर्म का मल्टीप्लाई। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब वन है, तो आपको मल्टीप्लाई करने में टेन लाना है। क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने में टेन। और यहाँ पे कितना लिखा है, मिडिल टर्म कितना है, थ्री। तो आपको यहाँ पे थ्री लेके आना है एड या सबट्रैक में। तो आप ये ना सोचो कि एड या सबट्रैक करने में थ्री कब आएगा, आप तो बस ऐसे दो नंबर इमेजिन करो कि जिस पे मल्टीप्लाई करने में टेन आता हो। तो एक 5 × 2 और एक 10 × 1, ये दो नंबर ही रहेंगे, 5 × 2 = 10 और 10 × 1 = 10। मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 10 × 10 और 1 कितना होगा, 11, माइनस करेंगे तो 9, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा ना, मिल गया नंबर। अब यहाँ पे लिखने का तरीका समझ लीजिए, यहीं गलती होती है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस ही लगाएंगे आप। फिर इसके बाद वहाँ पे कितना लिखा है, 5x, तो ये 5x, पहले हमेशा बड़ी डिजिट लिखते हैं फिर छोटी डिजिट लिखेंगे। और फिर इसके बाद प्लस का 2x माइनस 10 = 0। अब मैंने प्लस क्यों लगा, क्योंकि माइनस ही लगा देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 7 हो जाता, इसलिए मेरे को प्लस लगाया था कि 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। पहले 2 में से कॉमन लीजिए और दूसरे 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 2 5 = 10 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 2। तो आपके ये रूट्स आ गए, बिल्कुल सेम टू सेम सेकेंड चैप्टर में आपने जो जीरोज के लिए करा था वो यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक सिंपल सा फैक्टराइजेशन मेथड है। पेपर में बोलते नहीं, अगर पेपर में उन्होंने बोला कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और आपसे अगर कुछ नहीं बोला तो आप भी डिपेंड करता है आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। तो अब मैं देखो, सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, रूट वाला, जो देखते से रूट वाले रूट है भैया, पता नहीं क्या होगा। ऐसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो मेथड है उसको फॉलो करो बस। जैसे कि ये क्या है आपका, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। क्या होता है अपना तरीका, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 √2 × √2,
तो रूट टू रूट टू टू हो जाएगा, तो 5 इंटू टू कितना 10, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने में 7 आना चाहिए। तो आप पहले सोचना है कि मल्टीप्लाई करने में 10 कब आएगा, वही 5 इंटू टू और 10 इंटू वन, लाना क्या मेरे को 7 लाना है। तो देखो 5 और 2 हो गया 7, बस तो हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको पहले प्लस है, तो 5x प्लस ही 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, पहले दो में से कॉमन और लास्ट दो में से कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो अंदर बचेगा रूट टू और x और यहाँ पे 5। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ जो लिखा रहता है ना वो यहाँ आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे देखो मैं 2 लिखा ना, 2 को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है 2 होता है, क्योंकि रूट टू रूट टू रूट टू का स्क्वायर, और स्क्वायर से वो कैंसिल हो 2 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे आप रूट टू कॉमन लेंगे, तो रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक रूट टू बचा एक्स, और यहाँ पे रूट टू मैं ले चुका हूँ, तो पहले 200 रही है, तो जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, तो रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, तो जाएगा रूट टू इक्वल्स टू माइनस 5 और एक्स कॉस होगा माइनस 5 अपॉन रूट टू, मल्टीप्लाई में से इधर आके डिवाइड, वैसा ही यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस टू माइनस रूट टू। तो ये दोनों आपके फाइनली क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, इनकी वैल्यू आपको मिल गई, तो इसको हम रूट्स कहते हैं। वही बेसिकली जीरोज अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी के साथ आपका बाकी जो फोर्थ क्वेश्चन है आप देखेंगे इसके अपॉन में कितना लिखा हुआ है 8, पहले आप 8 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करें। यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 100, और एड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए 20, तो 100 मल्टीप्लाई करने में क्या पता 10 इंटू 10 100, और 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, और इसी तरीके से 8 टू 16 मतलब 16 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करने में 16 है और एड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना है आपका 8 आए, तो कौन होगा 4 4 16 और 4 + 4 = 8 हो जाएगा। तो ये बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को करना है इसी मेथड से, तो आपको ये आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, मतलब दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो सिंपल है, हम करेंगे लेट द नंबर्स, तो एक नंबर अगर मेरा x है, ठीक है, तो दूसरा मैं अगर मैंने एक नंबर को x माना है तो दोनों का सम, अब आप यहाँ पे कहें सर दूसरा y मान लो, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वन वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, देखो एक आपका, देखो यहाँ पे 20 दोनों का सम 27 लिखा है, सपोज करो आप जैसे आप दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास 27 रुपीज़ हैं, मैंने कहा एक बंदे के पास 10 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, आप फटाक से कह देंगे 17, कैसे, क्योंकि आपने 27 में से 10 माइनस किया, तो वही चीज़ मैं यहाँ कर दूंगा 27 में से x को माइनस कर दूंगा, तो लेट द नंबर्स क्या हो जाएंगे x और 27 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना भैया 182, बस आप सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको उधर ही लेके जाओ क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं उधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस, और ये पहले से इस तरफ है तो ये प्लस का ही है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 182, एड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए 27, तो आपके इसके लिए सिंपल है, ज़्यादा आप इसमें हर बार ये मत सोचिएगा कि 182 मल्टीप्लाई करने में कब आ गया, आप सोचते हैं ज़्यादा ना सोचिएगा, अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा 27 भी सम भी हो और मल्टीप्लाई 182 भी आ जाए। तो जैसे मैं अगर 13 × 14 करता हूँ, 13 और 14 का सम कितना होगा 27 ही होगा, देखते हैं मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 14 × 3 = 42 कैरी 4, 14 × 1 = 14 और 4 = 182, देखिएगा आ गया। तो आपको जस्ट इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार प्रीवियस क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिकली इनको सॉल्व कर सकता, दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वही पहले आप बड़ी डिजिट रखेंगे तो −14 − 13x + 182 = 0, तो पहले 200 कॉमन लास्ट 200 कॉमन, यहाँ से आएगा तो x, तो जाएगा एक्स माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 आएगा तो एक्स माइनस 14 = 0, तो बस ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 = 0, तो एक्स माइनस 14 एक्स कॉस्ट हो जाएगा 14 और एक्स कॉस्ट हो जाएगा आपका एक्स कॉस्ट हो जाएगा 13, तो ये आपके दोनों x की दोनों ही वैल्यू आई है, कोई बात नहीं। देन जो नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने,
देखिएगा दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे अगर एफ एक्स कॉस टू में तो मैं 14 लूँगा, अगर एक नंबर मेरा 14 होगा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 दूसरा 13 हो जाएगा, इफ एक्स कॉस टू 13 होगा तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 तो 14 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको आया समझ में? तो सिंपल हम इस तरीके से जब वन वेरिएबल में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें यही करना होता है। तो बेटर क्या रहता है कि आप एक को एक्स जैसे सम या प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपसे फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर 365। तो सबसे पहले आपको पता हूँ जी कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इनको हिंदी में कहेंगे क्रमागत, एक के बाद एक होना, जैसे एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद तीन, तो जिनमें मतलब एक ऐड कर दिया है नंबर में, जैसे वन के बाद टू, तो ये वन और टू एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो लेट द नंबर्स, तो एक आपका x हो जाएगा तो दूसरा आपको हो जाएगा x प्लस वन, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक के बाद एक आगे पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव होता तो x माइनस वन हो जाता। तो बस यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है दोनों का जो क्या बोला है कि द सम ऑफ हूज स्क्वायर, मतलब इनका सम स्क्वायर का जो सम है वो कितना है आपका 365, स्क्वायर का सम इतना है। ये उन्होंने कि स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का सम 365। अब बस सॉल्व कर लीजिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 365, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको इधर ही ले आया हम, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। बस अब आप मल्टी डिवाइड देखिएगा, यहाँ पे 2 लिखा है 2, मतलब आप कोशिश करा करें अगर कोई चीज़ कॉमन आपको दिख रही है तो उसको निपटाने का, उसको सबसे कॉमन लेके हटा दो या डिवाइड कर दो उससे। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 2, तो ये आपके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करने में आपका 182 आए, एड सब करने में आपका 1 आए, तो अभी एक ही अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही किया था 13 और 14, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस आप 14 लेंगे पहले माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे 14 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और अभी हमने कराई था मल्टीप्लाई 182 था, तो पहले दो में से कॉमन लूंगा तो x कॉमन है तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 आएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14। देखिएगा माइनस साइन कॉमन लिया तो बीच में प्लस हो जाता है, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस 14 बाहर आ गया और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x कॉस्ट हो जाएगा माइनस 14 और x कॉस्ट हो जाएगा 13। देखिएगा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्यों, उन्होंने क्वेश्चन था कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या था पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे माइनस में तो ये पॉसिबल है, जैसे आपका x की वैल्यू x कॉस्ट 13 आपका पॉसिबल है, तो नंबर क्या हो जाएंगे द नंबर्स आपके हो जाएंगे x कॉस्ट 13 और x प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब 14, 13 और 14 ये दोनों नंबर कौन है आपके 13 और 14 नंबर हैं। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड। आपसे कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीन्स क्या हो जाएगा आपका हाइट। तो जैसे मैं अगर एक ड्रॉ करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो आपसे बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें उसका जो बेस द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस एंड इट्स बेस। अगर मैं बेस को x मान लूँ तो जो हाइट होगा एल्टीट्यूड उससे 7 लेस कम हो गया, और उसने बोला है कि हाइपोटेनस 13 है, तो ये आपको पूरा समझ में आया। मैं उसने बोला कि मैं मान लेता हूँ लेट द बेस, आपने x सेंटीमीटर माना, तो आपको जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, उसने बोला कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस x है तो 7 कम कर दिया मैंने, और हाइपोटेनस तो गिवन ही है आपको 13 सेंटीमीटर,
अब आपको क्या करना है, साइड को फाइंड करना है। तो देखो आपको कुछ, अब क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं दिया कि इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आए तो एक ही थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और बेस आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा x 13 का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा x, ये 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस का 49। इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 169 जाएगा कितना बचेगा 120 इक्वल्स टू 0। अब आपको देखो मैंने ऐसे बोला था कि कुछ कॉमन देखे तो निपटा दो, 2 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करने में आपका आना चाहिए 60 और एड एसोड करने में आपका 7 आना चाहिए। तो 60 मल्टीप्लाई करने में कब आता है 12 5 60 और 7, 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले दो आखिरी दो से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। तो ऑब्वियस ही बात है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल उसकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या आएगा 12। मतलब आपका x बेस कितना हो गया आपका 12। तो आपका देन यहाँ कर देता हूँ तो बेस आपका हो जाएगा x cos 12, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द योर आंसर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं सिंपल हमने क्या करा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं अपन इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे और वो ये है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। भले कोई कॉटेज इंडस्ट्री जो पोल्ट्री आर्टिकल्स आपके कुछ प्रोड्यूस करती सर्टेन नंबर, उन्हें पता नहीं कितने, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन आर्टिकल की वो ये है, इट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब ये कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उनका 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब कि अगर जैसे एक आर्टिकल है, अगर मैं उसको मान लूँ कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 1 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 मोर देन ट्वाइस। तो एक आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 2 में, ट्वाइस है तो 2 + 3 मतलब 5 रुपये ऐसा लग रहा है। तो देन द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर मान लो कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी 90 रुपये लग रही है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं। देखिए लेट द आर्टिकल produce in a day, हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो cost of each article क्या हो जाएगी, cost of each article उसने बोला है twice, 3 more than twice, तो twice means 2 का multiply और 3 more than, ये cost आ गई। और according to question उन्होंने बोला है कि टोटल कॉस्ट उनका 90 रुपी लग रहा है, कितना लग रहा है 90, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोड्यू मल्टीप्लाई में करूँगा तो कितना आएगा 90 आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया मैंने कोई बनाना परचेस करे मैंने, और मैंने बोला कि मैंने टोटल 10 रुपी के मैंने बनाना परचेस करे हैं, और मैंने टोटल जो बनाना परचेस करे हैं वो 2 करें तो कितने का होगा, तो आप उसको डिवाइड ही करेंगे ना, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसी तरीके से करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स आपको जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है बाय दी फैक्टराइजेशन मेथड, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 180 आ रहा है, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 180, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 180।
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना लाना है मुझे 3। तो ऐसे कोई दो नंबर ढूंढना है जिनका दोनों का डिफरेंस कितना हो आपका 3 हो और मल्टीप्लाई करने में 180 आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, देखिएगा हमें 180 लेके आना है तो मीन्स डिफरेंस 3 का ही चाहिए मुझे। तो अगर मैं देखूँ 10 और 13 का तो ये 130 हो रहा है, यहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर मैं देखूँ मेरे को 180 थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं 15 और क्या कर देता हूँ, मैं 12 करूँगा तो क्या होगा, 15 और 12 करूँगा तो 15 टू ज़ा 30 कैरी आई 3, 15 वन ज़ा 15 और 180 बिल्कुल आ गया 15 और 12। तो हम 15 और 12 नंबर हम लेंगे, तो पहले आपका 15 आएगा 2x² प्लस 15x माइनस का 12 माइनस 90 इक्वल टू 0, पहले 200 कॉमन आखिरी 200 कॉमन, 2 यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आपका कॉमन आएगा 6, तो माइनस का साइन है इसलिए माइनस, माइनस 2x और ये इसमें प्लस हो जाएगा 6 बन जाए 6, 6 5 15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 और आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो आप जानते हैं किसी का भी प्रोडक्शन माइनस में नहीं होता और ना ही डिवाइड में होता है, तो आपका x इक्वल टू कितना हो रहा है 6, तो आपके जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स टोटल कितने हो रहे हैं 6, तो एक दिन में टोटल 6 आर्टिकल आपके क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, अगर आपके आर्टिकल की वैल्यू 6 है तो कॉस्ट क्या होगी 2x प्लस 3 मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 मीन्स 15, एक आर्टिकल का कॉस्ट आपका 15 रुपये है, 15 रुपये आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और आप ऐसे ही आप वीडियो का अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही आपको 10th 9th 11th 12th के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिनमें, हम उन पर वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली बनाकर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और उस पर जैसे जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। वीडियो को अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।